Alright guys, good evening. Welcome to 500 PYQ session. Please refresh and join अगर आपको नहीं visible हो रहा तो. You can refresh and join the class in case you are not able to see the video or hear the voice. Okay. Welcome back. Good afternoon. Welcome to Unacademy's YouTube channel. I hope you have subscribed to the channel so that aapko meri classes miss na ho. I come live every Tuesday and Saturday at 4:30 p.m. for the PYQ session of political science. Aaj hum log karne wale hain part 2 for 500 PYQs. Part 1 already ho chuka hai. आप लोगों के लिए मैंने इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ है. इस समय आप मुझे वो क्रैश कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं. आपको सिर्फ रेफरल कोड यूज़ करना है सुप्रीत लाइव जब भी आप पेमेंट करते हुए चेकआउट करें. लेट्स स्टार्ट विद द 36th क्वेश्चन, क्योंकि 35 क्वेश्चंस तक हम ऑलरेडी पार्ट वन में कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 36. एरिस्टोटल पहला थिंकर था जिसने इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करा, पर वो एक्सीडेंटल था. मैकियावेली के केस में इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल एक इंटेंशनल इस्तेमाल था. आपको गेस करके बताना है कि इसमें से कौन सी रिलेशनशिप करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 36. यस, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. बिकॉज यस, एरिस्टोटल पहला थिंकर है, बट उसने कोई इंटेंशन नहीं यूज़ किया था पर्टिकुलरली कि मुझे इस पर्पस से अडॉप्ट करना है. बट मैकियावेली का जो यूज़ है इंडक्टिव का वो इंटेंशनल था, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, सिंस दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो आई थी उसके बारे में क्या बात सही है. गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक, आ जाओ जल्दी से. नंबर वन, ये 2 beds per 1000 पॉपुलेशन देने का वादा करता है, एंड ये फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ सर्विसेज देता है. ये टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक रिड्यूस करेगा 2025 तक, और ये मोर्टैलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन कम करेगा टू 23 बाई 2020. अब इसमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको एक इसका जो सेट है करेक्ट आंसर्स का वो चूज़ करना है. नेशनल हेल्थ पॉलिसी के कौन से फीचर्स करेक्ट हैं, नीचे कोड्स हैं, आपको एक कोड्स में से चूज़ करना है. यहाँ से एक ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन ये वाला है. यहाँ पर बाय 2025 होना चाहिए था. अंडर 5 चिल्ड्रन का मोर्टैलिटी रेट 23 करा जाएगा 2025 तक. इसका मतलब ये है दैट आपको 4 एलिमिनेट करना है. आप जब भी 4 एलिमिनेट करोगे आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 मिलेगा. आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे. प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का बेस्ट प्रोपाउंडर कौन है, यानी जब प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम कौन सा आता है, मार्शल, गिडेंस, पी एस टर्नर या डेविड हेड. क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट आंसर बी एस टर्नर. लोगों को ऐसा लगता है कि हर सिटीजनशिप का आंसर मार्शल ही होगा, ऐसा नहीं है. वो सोशलिस्ट थ्योरी का है, ये प्लूरलिस्ट थ्योरी का है, दोनों में फ़र्क है. प्लूरलिस्ट थ्योरी का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, दोनों में आपको याद रखना है टर्नर ही आंसर होगा. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हर साल आने वाला फिक्स्ड क्वेश्चन. बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई थी, जो किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है. एब्सोल्युटली 100% राइट, एसपी हंटिंगटन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर आते हो तो हंटिंगटन के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं हर साल. ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है. इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है. दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स रिटन बाय हंटिंगटन. इसके अलावा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज आल्सो अ ग्रेट बुक. क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हैं. नीचे कोड दिए हैं, बीच में स्टेटमेंट्स दिए हैं. सबसे पहले, ये इकलौती इंटरनेशनल संस्था है जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स के बीच में डील करती है. ऑप्शन नंबर 2, ये 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी. ऑप्शन नंबर 3, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है. ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर 680 स्टाफ एम्प्लॉयड है.
क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से गेस करिए। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकलौती है इस समय जो ट्रेड रूल्स करती है। यस, ये 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यस, इसमें 680 स्टाफ है, नहीं इसमें 650 स्टाफ है। इसका मतलब 4 गलत है और सेकंड गलत है, 4 गलत है और सेकंड गलत है, मतलब 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एंड दैट इज व्हाई 40 नंबर में हमने बी मार्क करा है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए, ग्लोबलाइजेशन में इंटरनलाइजेशन होता है इकोनॉमी का, इंटरनेशनलाइजेशन सॉरी। ग्लोबलाइजेशन मार्केट इकोनॉमी पे फोकस करता है। ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैदा करता है। ग्लोबलाइजेशन से पेरोकियल कल्चर पैदा होता है। नहीं अंजनी, स्टाफ निश्चित है, 650 लोग प्रेजेंटली WTO के स्टाफ मेंबर्स हैं और ये क्वेश्चन 2019 का है और अभी तक उसमें मेंबरशिप यही है। ओके गाइज, अगर आप ऑफिशियल आंसर की से जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए कई लोग ऐसा कर भी दे रहे हैं कि बी आंसर करेक्ट होगा। बल्कि ऑब्वियस ही बात है कि ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टिविटी की बात करता है तो उससे पेरोकियल कल्चर कैसे पैदा होगा, इसलिए एक गलत लाइन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, जबकि ऑफिशियल आंसर की में इसे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैं पॉइंट आउट कर दूं यहाँ पे कि बी करेक्ट आंसर नहीं है, वो एक गलत आंसर दिया गया है, डी करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने सब ने ही, आपने भी कमेंट सेक्शन में और हमने वैसे भी डी मार्क करा एज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। कुछ इस तरफ थ्योरीज है और उस तरफ इनके कोड हैं। जैसे आपको टू फैक्टर थ्योरी पूछी गई है, आपको हायरार्की ऑफ नीड्स पूछी गई है, आपको थ्योरी ऑफ नीड्स पूछी गई है और एक्स एंड वाई पूछी गई है। इसमें से सबसे आसान है कि आप हायरार्की के साथ मैस्लो को करें, यानी 2 और 3, और 2 और 3 का आपको इकलौता ऑप्शन कहीं नज़र आ ही चुका होगा अभी तक फटाफट से, यानी आपको 42 क्वेश्चन में 2 और 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। इसके अलावा भी आप चाहें तो मैच करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप एक्स एंड वाई कर लीजिए, आप टू फैक्टर मोटिवेशन हाइजीन को कर लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हो आंसर, देयर इज नो कंपल्शन। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी रिसेंटली कराया हुआ है क्योंकि इंडियन पॉलिटी चल रहा है इस समय क्रैश कोर्स पे, इसलिए ये रिसेंटली कराया है, प्रीएम्बल पढ़ाया था परसों। भारत के प्रीएम्बल के क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपको नीचे कोड चूज करने हैं, ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कोई 2 सही हैं। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है प्रीएम्बल में, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कैरेक्टर एंड अपॉर्चुनिटी है, एंड लास्ट फ्रेटर्निटी। हाँ जी गाइस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, कैरेक्टर नहीं है, एंड अश्योरिंग डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, नहीं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पर 4 और 3 दोनों गलत है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 44, आपको थिंकर्स दिए हैं और बुक्स दिए हैं, ये भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बिकॉज इसमें से हर बार 2-3 बुक्स एंड ऑथर्स जरूर आते हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं दिस मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, फ्रांस फेनन, रॉल्स, आप कुछ भी ले सकते हो। आई विल फर्स्ट टेक फ्रांस फेनन 3 और 1, अगर मैं 3 और 1 का मैच ढूंढूं तो ये रहा आंसर, सिंपल से ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा भी आप जो चाहे मैच कर सकते हैं, आप वॉलस्टोनक्राफ्ट करना चाहे तो 1 और 3 कर लीजिए, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस बनाने की पावर को कैरी करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस?
भारतीय राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल नंबर 123 में है एंड ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 123. क्वेश्चन नंबर 46. महिलाओं को लेकर आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या बात सही है. इन्फीरियोरिटी जो महिलाओं को देखी जाती है वो समाज ने बनाई है, वो लीगल नहीं है. लिबर्टी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को ना अप्लाई करने की वजह से औरतों की हालत जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. विमेन नेचुरली आदमियों से कमजोर होती है. विमेन की इनइक्वालिटी इतने सालों से इसलिए चलती आई है क्योंकि वो जस्टिफिएबल है. अब यहाँ पर विमेन आर नेचुरली इन्फीरियर टू मेन एक गलत स्टेटमेंट है, मतलब 3 हटाना है. विमेन की इनइक्वालिटी चलती आ रही है क्योंकि वो सही है और न्यायिक तौर पर उसे मान लेना चाहिए, गलत है, मतलब 4 हटाना है. इसका मतलब करेक्ट आंसर 1 और 2 है, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 47. ये JNU का और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस का रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का. आपसे पूछा जाएगा टर्म संस्कृताइजेशन किसके द्वारा कॉइन करा गया था. जिन लोगों ने मेरे अनअकैडमी के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं जो मैंने बनाए हैं T10 T20 सीरीज, उसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ है कि संस्कृताइजेशन शब्द किसने कॉइन करा है भारत में. एंड आई थिंक अभी तक सबको आंसर याद हो चुका है. इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए MN श्रीनिवास. ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज ये PYQ सेशन है तो PYQs तो है ही है. सारे क्वेश्चन PYQs ही हैं, देयर इज नो मॉक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 48. जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब अवार्ड करा गया था. जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1999 में JP को भारत रत्न से अवार्ड करा गया था. क्वेश्चन नंबर 49. ये मैंने रिसेंटली कराया है और एक ट्रिक भी बताया था कि जब भी आपको सेकेंड ARC की रिपोर्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक सिंपल ट्रिक यूज करना है जिससे ये रिपोर्ट्स अरेंज हो जाएंगी. RTI अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस मैनेजमेंट एंड एथिक्स इन गवर्नेंस, नीचे इसके कोड्स दिए हुए हैं. आपको मैंने एक ट्रिक दिया था उसी दिन क्लास में कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सबसे पहले RTI रखोगे बिकॉज वो फर्स्ट रिपोर्ट है. सेकेंड ARC 2005 में आई थी एंड उसकी फर्स्ट ऑफिशियल रिपोर्ट RTI थी. अब आपको क्या करना है, RTI के बाद दूसरी बड़ी रिपोर्ट मैंने आपको बताया था जो 5वें नंबर पे है वैसे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में, यहाँ पर दूसरी है वो है एथिक्स इन गवर्नेंस 1, 4, 2 और 3. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. सो 49th क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आप मार्क करोगे. एंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सेकेंड ARC की रिपोर्ट का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है हर हालत में. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50. और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक अपॉलोजी देना चाहती हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मुझसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो मिस्टेक मैं आज क्लैरिफाई करवाना चाहूँगी, विच आई रियलाइज्ड आफ्टर द सेशन. तो जब मैंने पहले पेपर कराया था 5-6 महीने पहले तो इसका आंसर कुछ गलत हो गया था. उस दौरान हमने इसका आंसर किया था ऑप्शन नंबर डी जेंडर इनइक्वालिटी, बल्कि ये एक रॉन्ग आंसर है. कबीर के कामों में औरतों के प्रति इनइक्वालिटी देखी जा सकती है. ये बात आप अगर डीपली कबीर के थॉट को पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा. वेयर एज इस क्वेश्चन का आंसर रियल में बेगमपुरा है क्योंकि बेगमपुरा का इंसिडेंट गुरु रविदास से जुड़ा हुआ है और उस इंसिडेंट के बेसिस पे आपको ये रियलाइज होगा कि कबीर के एलिमिनेशन में सबसे पहले बेगमपुरा हटना है. सो वो एक मिस्टेक थी जो मुझसे भी एक बारी हुई हुई है, इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन इंटेंशनली रखा है टू क्लैरिफाई माय मिस्टेक एंड टू पुट अक्रॉस दिस दैट यस ऑप्शन डी सही आंसर था एंड ऑप्शन ए गलत है, मतलब
जब आप कबीर से जुड़ा कोई इंसिडेंट चूज करोगे तो वो बेगमपुरा होगा। मेरे से कमेंट सेक्शन में बोला गया इसके ट्रिक बताने को, ये मैंने आपको प्लस क्लास में बताया था जिस दिन रिपोर्ट्स पढ़ाई थी कि सेकेंड ARC में 19 रिपोर्ट हैं, उसमें हमेशा याद रखना कि RTI ज़रूर दी होगी ऑप्शन में और वो हमेशा नंबर वन पे रहेगी और उसके बाद हमेशा एथिक्स एंड गवर्नेंस दूसरे नंबर पर रहेगी। ये क्लास में मैंने ट्रिक बताई थी एंड जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन में एग्जैक्टली वैसे ही आंसर करने पर आपका आंसर ठीक गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है जो वीटो पावर्स हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, उन्हें मैच करना है उनके एक्सप्लेनेशन से। बहुत रिसेंटली एक डाउट सेशन में मुझसे बोला गया था वीटो पावर पढ़ाने को एंड दैट्स व्हेन आई एक्सप्लेन्ड द वीटोज विच आर अवेलेबल इन इंडिया, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। पर्सनली आई वुड गो विथ पॉकेट बिकॉज वो एक स्पेशल वीटो है और उसका आंसर आपको बहुत क्लियरली पता लगेगा कि आपको 4 और 3 के साथ जाना है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट उसे लटका देता है ना हाँ या ना जितने मर्जी टाइम के लिए तो वो पॉकेट वीटो होता है। 4 और 3 अकेला ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है तो बाकी कुछ याद करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पॉकेट को हमेशा याद रखते हो। सो यू विल बी क्लियर अबाउट द वीटो पावर्स विच आर अवेलेबल टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपको आंसर करना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भारतीय राज्यों के फॉर्मेशन को अरेंज करिए। क्वेश्चन में ट्रिक ऑब्वियसली सबसे आसान ये थी कि तेलंगाना को लास्ट रखो, बट ऑप्शन देने वाला भी काफी इंटेलिजेंट है जिसने सब जगह तेलंगाना रख दिया है। अब ट्रिक ये है कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्प्लिट है बॉम्बे से वो 1960 में हुआ था, दैट मींस हमेशा गुजरात फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन में शामिल करा जाएगा। सो गुजरात, उसके बाद सिक्किम का दर्जा, उसके बाद गोवा का लिबरेशन एज अ कॉलोनी टू इंडियन स्टेट एंड देन ऑफिशियली तेलंगाना का बनना। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, हु हैड फॉर्म्ड द सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी। क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट काफ़ी बार कराया हुआ है सो आई एम वेरी श्योर दैट आपको आंसर अभी तक याद हो गया होगा। सो बेसिकली हमें मरने का अधिकार है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और ये अधिकार इंडिया में अवेलेबल नहीं होता था, अमेरिका में होता था, बट अब इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि इंसान अगर मरना चाहे तो उसे उसमें डिग्निटी मिलनी चाहिए। वन शुड नॉट लिव अ लाइफ इन द एंड लाइक एन एनिमल, उसको अपना हक मिलना चाहिए एंड में। सो इसका आंसर मीनू मसानी है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने इस सोसाइटी का क्रिएशन किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर भी था ये एक टाइम पे। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का नंबर है 54। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये वो आर्टिकल्स नहीं है जो जनरली आपको हम देते हैं कि याद कर लो, या स्टूडेंट भी जनरली जो आर्टिकल्स मन में रखता है याद, ये वो सेट ऑफ आर्टिकल्स डेफिनेटली नहीं है। ये हाई कोर्ट के प्रोविजंस के अंदर के आर्टिकल हैं, जैसे कॉमन हाई कोर्ट 2 or more राज्यों में अगर बनाया गया है तो उसका आर्टिकल पूछ दिया, डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट का पूछ दिया। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, अगर एक आधिक आंसर भी आता होगा तब भी नहीं चलेगा काम क्योंकि ऑप्शंस भी मिक्स मैच दे रखे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो तो 3 के साथ देखो मिक्स्ड ऑप्शंस हैं, 4 के साथ मिक्स्ड ऑप्शंस हैं, 1 के साथ मिक्स्ड ऑप्शंस हैं। सो इट इज अनडाउटेडली अ क्वेश्चन जो आपको सिर्फ याद करके ही समझ आ सकता है, अदरवाइज नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कॉमन हाई कोर्ट अपॉइंट करने का जो आर्टिकल है वो जाता है ऑप्शन नंबर 3 to 31 पे। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस का आर्टिकल होता है वो 233 है। ऐसे करते करते आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से बिकॉज लर्न करने अलावा कोई चांस नहीं होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट और नीचे कोड। फर्स्ट है ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार प्रिंसिपल मेथड्स ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और कंपैरिजन है। ब्लंटली के अनुसार
ट्रू मेथड फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल है. वेरी फ्यू थिंकर्स आर प्रेग्मेटिक एंड इंडक्टिव इन टूडेज टाइम एंड जॉन रॉल्स हैज यूज डिडक्टिव एंड डॉगमेटिक मेथड्स. सबसे आसान टू कट आउट जॉन रॉल्स वाला स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग. जॉन रॉल्स ना तो डॉगमेटिक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट एंड मॉडर्न टाइम्स का स्मार्टेस्ट थिंकर अवेलेबल. सो 4 हटा दिया. अनफॉर्चुनेटली इससे भी आंसर नहीं आएगा तो 3 पे बढ़ते हैं. बहुत कम थिंकर्स ऐसे हैं जो आज के जमाने में इंडक्टिव हैं. दिस इज सो बैड बिकॉज मोस्टली आज के थिंकर्स इंडक्टिव ही हैं. इट इज एन ऑपोजिट लाइन. 3 हटा देंगे. नाउ यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए 1 and 2. ऑगस्ट कॉम्टे जो कि पॉजिटिविज्म का फादर है, और ब्लंटली जिसने अपने मेथड को हिस्ट्री से कनेक्ट करा है. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 56 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशंस की 14 इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस की पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखी हैं. प्लीज आप उन्हें याद रखिएगा बिकॉज उनसे हर साल 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं. आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO बुलाते हैं, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी ILO कब बनी थी. जी नहीं, इसका आंसर ए नहीं है. 1946 इसका आंसर है. ILO का ऑफिशियल UNO बनने का, स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनने का जो साल है वो 46 ऑप्शन नंबर बी है. प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा. फॉर्मेशन ईयर नहीं पूछा है आपसे UNO में शामिल होने का साल पूछा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 57. हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एंड अप्लाइड इट टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपको पब एड की ओपनिंग पीडीएफ है कोर्ट्स की, उसमें जरूर मिलेगा. आर्ट एंड साइंस इसके वर्ड्स हैं जो आपको गोल्डन की तरह यूज करने हैं हमेशा. एंड आप याद रखिएगा आर्ट एंड साइंस का डिस्क्रिप्शन हमेशा ड्विट वॉल्डो ऑप्शन नंबर सी ने किया है. क्वेश्चन नंबर 58 एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी बहुत ज्यादा रिपीट करा जाता है 58th वाला. नेचुरल और कन्वेंशनल इन इक्वालिटी के बीच में फर्क किसने किया है. इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर एज कन्वेंशनल इन इक्वालिटी ऑलरेडी कर रखा है पार्ट 1 में. इसका आंसर रूसो है. रूसो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द 2 फॉर्म्स ऑफ इन इक्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 59. कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं है. नेशन एक साइकोलॉजिकल आइडिया है, स्टेट एक लीगल आइडिया है, नेशनलिज्म नेशन का एक फीचर या एट्रीब्यूट है, नेशन और स्टेट को टर्मिनस है मतलब उन्हें एक्सचेंज करके यूज करा जा सकता है और उन्हें एक जैसा ही समझा जा सकता है कि ए इज इक्वल टू बी जैसा है. ऑफकोर्स नॉट. नेशन एक इमोशनल एस्पेक्ट है, स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल एस्पेक्ट है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो नॉट करेक्ट पूछा है इसलिए इस क्वेश्चन में डी आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 60. एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या क्या बातें ठीक लिखी गई हैं. इसका अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट करते हैं, यस. इसका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह किया जाता है, नो. बिकॉज ये सीईसी का क्वेश्चन नहीं है, ये इलेक्शन कमिश्नर का क्वेश्चन है और उसे इम्पीच नहीं करा जाता. ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यस. हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 years और 65 एज, यस. सो 3 यस है, 1, 3 and 4. मतलब ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है और बाकी आप बीच में से एलिमिनेट कर सकते हो दूसरी वाली जो लाइन है. क्वेश्चन नंबर 61. वो कौन सी तारीख और साल था जब भारत ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसे UNHRC बुलाया जाता है उसको ऑफिशियली एज अ मेंबर ज्वाइन किया था.
वो कौन सी तारीख और दिन था जब यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इंडिया एक ऑफिशियल मेंबर की तरह ज्वाइन करके आया था? 1 जनवरी 2019. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62. राइट टू डेवलपमेंट के बारे में क्या दो बातें सही हैं? सिर्फ दो. ये जनरल असेंबली ने 1986 में अडॉप्ट करा था. ये एक इनएलिनेबल ह्यूमन राइट है, मतलब एक ऐसा मानव अधिकार जिसे हटाया नहीं जा सकता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे वियना डिक्लेरेशन में कोई जगह नहीं मिली है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड इसे वर्किंग कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक ग्रुप के तौर पर एस्टेब्लिश करा गया है. रॉन्ग. 3 एंड 4 दो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, एंड 1 और 2 यानी जो राइट टू डेवलपमेंट है वो इनएलिनेबल ह्यूमन राइट्स है और जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कोड है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 63. अगेन अ रिपीटेड पीवाईक्यू. ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, बट दिस इज वन क्वेश्चन जो बहुत रिपीट होता है. यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट कौन से साल में हुआ था? यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट कौन से साल में हुआ था? अगेन इसका आंसर 1946 है, सब लोगों को मालूम है. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे. आपको बताना है, नीचे कोड है, ऊपर स्टेटमेंट्स है, राज्यसभा के बारे में क्या बात सही है? 238 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं राज्यसभा में. यस, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. पुडुचेरी के राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं. यस. थर्ड स्केड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स देता है? नो. फोर्थ स्केड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट देता है? यस. तो आपको ट्रू बताना है. यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू है. इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है 64 क्वेश्चन का, जहां पे आपको 1, 2 एंड 4 सब करेक्ट मिलेगा, बाकी आपकी जो बीच की लाइन है वो रॉन्ग मिलेगी. आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. वेलफेयर स्टेट एक HOT है, मतलब दिस इज हाईली रिपीटेड क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, क्योंकि वेलफेयर स्टेट काफी कम लोगों को ढंग से समझ आती है. ये कहती है कि नागरिकों को सोशल सर्विसेज की रेंज देगी. ये कॉम्युनिज्म और इंडिविजुअलिज्म के कहीं बीच में पड़ता है. वेलफेयर स्टेट किसी भी ह्यूमेन प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए पैटर्न सेट करता है और साथ ही साथ लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है. मतलब क्वेश्चन नंबर 65 में वेलफेयर स्टेट को दिए गए सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एंड दैट इज वाई इस क्वेश्चन में जो आप चूज करोगे वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑल ऑफ द अबव. एक्सेलेंट. आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे. अगले क्वेश्चन का नंबर है नंबर 66. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल में तीन एलिमेंट्स है, रीजन स्पिरिट एंड एप्टीट्यूड. द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब स्टेट कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया रूप है. ऑलराइट, यहां पर भी एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं देना चाहूंगी अपनी तरफ से, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन. गाइज, जो ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, बेसिकली ये रिपब्लिक में एक लाइन लिखी गई है. तो ये लाइन जो है ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, इसलिए आप सी नहीं चूज कर सकते. ठीक है. अब जब आप बात करते हो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए की, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल में रीजन स्पिरिट और एप्टीट्यूड तीन चीजें दी गई हैं, जबकि ये एपेटाइट होना चाहिए. अब अगर आप नोटिस करो तो आप ट्रेडिशनली डी ऑप्शन के साथ जाओगे, जहां ए फॉल्स और आर ट्रू है,
बट आंसर की मैं आपको यही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है लेकिन एक दूसरे का रीजनिंग करेक्ट नहीं है। तो हो सकता है ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ये वर्ड मिसप्लेसमेंट का मिस्टेक हो और एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी ही सूटेबल हो सकता है ये जानकर गलत दिया गया हो और आप लोगों को गलत आंसर की दे दी गई है बाद में, जिस वजह से इसमें आंसर में डिस्क्रिपेंसी आ रही है। सो द कन्फ्यूजन स्टिल लाइज दैट गलती कहाँ से हुई है, टाइपिंग में या आंसर में। बट क्योंकि हमें नहीं पता कि किस वजह से ऐसा किया गया है, हम डी ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देगी। हमने पॉइंट आउट भी करवाया था जब पेपर हुआ था, इस पे भेजा भी था स्क्रीनशॉट्स, लेकिन इसका जवाब कोई आया नहीं था। तो अगेन द क्वेश्चन इज इन हैंगिंग वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, दो व्यक्ति चूज करिए जिन्होंने इंडक्टिव मेथड को एडॉप्ट करा है, प्लेटो, मैकेवेली, थॉमस एक्विनास या थॉमस हॉब्स। आपको सिर्फ दो लोग चूज करने हैं जिन्होंने इंडक्टिव मेथड को अडॉप्ट करा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। एक तो प्लेटो नहीं हो सकता, तो वन हटाना है सबसे इजी ऑप्शन, जो सभी ने किया है आई थिंक। और अगर नहीं भी हटा पाए हैं तो मैकेवेली, ऊपर भी पढ़ा था इंडक्टिव का ही है, तो मैकेवेली चूज कर सकते थे और उसके साथ थॉमस हॉब्स ऑब्वियसली, बिकॉज सेम लाइन के थिंकर है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, दोनों तरीके से आप आंसर कर सकते हो। बट यस, एलिमिनेटिंग प्लेटो वॉज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 एंड अ रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में यूटिलिटेरियनिज्म को कंडेम यानी क्रिटिसाइज किया था। Who among the following criticized the idea of utilitarianism in his theory of justice? Yes, इस question में answer होगा option number C, John Rawls. एक तो किताब hint है यहाँ पे, plus critique of utilitarianism दो ही लोगों ने कर रखा है, एक जेस मिल ने जब बेंथम का किया था और एक रॉल्स ने जब मिल और बेंथम दोनों का किया था। आगे देखिए, रिग्स का मॉडल एग्जाम में पढ़ के जाना बहुत कंपलसरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है रिग्स का मॉडल किस किस पर आधारित है, एग्रीकल्चर के डिपेंडेंस पर। एक सेकेंड गाइस, फ्यूज्ड मॉडल का क्वेश्चन है, प्रिज्मेटिक का नहीं है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, यस। अटेनमेंट वैल्यू पर डिपेंडेंट है, नो। एस्क्रिप्टिव पर है, अटेनमेंट पर नहीं है। डोमिनेशन ऑफ रॉयल फैमिली, यस। बार्टर सिस्टम, यस। 1, 3 और 4 का कोड आपको चूज करना है, आपको आंसर मिल जाएगा एज ऑप्शन नंबर ए। आपको सिर्फ बीच का जो पॉइंट था वो हटाना था, डिफ्रैक्टेड का पॉइंट है इसलिए वो फ्यूज्ड में पॉसिबल नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी प्रकार की पॉलिसी को स्टडी करने से सक्सेस का लेवल उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव से जोड़ा जा सकता है। कौन से पॉलिसी इवैल्यूएशन को स्टडी करने के लिए सक्सेस के लेवल को उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ा जा सकता है। कॉस्ट बेनिफिट तो हो नहीं सकता, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग भी नहीं हो सकता, इम्पैक्ट या स्ट्रैटेजी ऑप्शन बचता है। तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली उसके रिजल्ट को मैनेज करने पर आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और गोल्स को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के बारे में क्या क्या फीचर्स करेक्ट हैं? ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स करेक्ट हैं? सेटिंग अप ऑफ अ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, यस। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज, यस। मतलब 1, 2 तो आंसर होगा ही होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यस, मतलब 3 भी होगा। एंड नन अदर देन 4, वाटर यूजर्स टू बी गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स, यस, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 72 एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली 3-4 दिन पहले क्लास में करवाया गया है क्वेश्चन, एशियान प्लस 3 की कंट्रीज का नाम बताइए।
विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एशियान प्लस थ्री. करेक्ट आंसर चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर डी. अगेन इसमें आपको वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं, प्लस सिक्स भी आ सकता है, ESA भी आ सकता है. ये सारे आपको याद करवा रखे हैं, आप याद करके रखिएगा भी. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा ये आंसर आता नहीं होता. ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेपाल एंड इंडिया साइन द रिवाइज्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. दोबारा से कब साइन करा है, रीसेंट लास्ट, सॉरी दोबारा से रिवाइव्ड अग्रीमेंट कब साइन हुआ है, इनिशियल नहीं, दोबारा वाला. जी हाँ, दोबारा जो अग्रीमेंट साइन करा था DTAA, जो कि आपका ट्रेड से जुड़ा हुआ नेपाल और भारत का अग्रीमेंट है, वो 2011 में स्टैब्लिश करा गया है, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 74, महिलाओं की मूवमेंट्स में कुछ माइलस्टोन्स आए हैं, इन्हें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुकी हूँ, मुझे लगता है दिस इज अ रिकॉर्ड क्वेश्चन विच हैज बीन डन इन द क्लास. मेक्सिको सिटी UN कॉन्फ्रेंस, कोपेनहेगन UN कॉन्फ्रेंस, बीजिंग एंड नैरोबी. इस क्वेश्चन का आंसर रटा हुआ है, 1 and 2 ऐसे ही रहेगा, 4 and 3 डिस्प्लेस होगा आपस में, लाइक 3 और 4 की जगह बदलेगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 75, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को किसके द्वारा क्रिएट करा गया था ताकि एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग डेवलपिंग देशों में करी जा सके. बहुत रिसेंटली आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कराया है, आई थिंक वी वर डूइंग द JNU पेपर 1 or 2 days बैक समवेयर, सो वी डिस्कस दिस क्वेश्चन. और इसमें मैंने आपको कितनी बार बोला है कि याद रखिएगा दैट ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर, फिर भी बहुत सारे लोग इसको गलत कराते हैं. चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. एटम्स फॉर पीस एक डिसआर्ममेंट प्लान है और ये किसके द्वारा पुट फॉरवर्ड करा गया था. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जवाहरलाल नेहरू, क्रुक्शेव, आइजनहावर या जॉन एफ कैनेडी. 76, डिसआर्ममेंट प्लान एटम्स फॉर पीस नाम से किस लीडर द्वारा स्टार्ट करा गया था. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आइजनहावर है, एंड दिस इज अ वेरी 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 फेमस क्वेश्चन. भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा कहां पर सिचुएटेड है. भारत का हाईटेक नेवल प्रोजेक्ट वर्षा कहां पर लोकेटेड है, रामबिली, इजमलाए, अराकू या कोची. यस, इसका आंसर रामबिले, ऑप्शन नंबर ए है. क्वेश्चन नंबर 78, एक जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में जो रिश्ता होता है वो सीनियर और सबॉर्डिनेट का रिश्ता होता है. स्पेशलिस्ट का काम होता है कि वो जनरलिस्ट को असिस्ट करे जब भी पब्लिक पॉलिसी लागू या बनाने का समय आता है. जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में जो रिश्ता है वो सीनियर और जूनियर का रिश्ता होता है. दिस इज अ रॉन्ग लाइन. स्पेशलिस्ट सीनियर नहीं होता, स्पेशलिस्ट वो होता है जिसने कुछ स्पेशल पढ़ाई कर रखी है, रिसर्च कर रखी है, जो किसी सब्जेक्ट का मेन जानकार होता है. Whereas generalist overall सारे कामों को देख रेख कर सकते हैं, जैसे कोई general doctor, physician या फिर कोई heart specialist या neurologist. तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि general physician कम senior होगा और specialist ज़्यादा senior होगा. So D इसका answer है, because A एक गलत statement है and R एक true statement है. Question number 79, किसने कहा था पब एड एक साइंस है. हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम्ड द आइडिया दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस. रॉबर्ट डाल, लद गलिक, एल ओरविक या फ्रैंक जे गुडनाउ. सबको नाम से पता चल रहा है डाल का आंसर होगा, क्रिटिक में बहुत जल्दी सामने आता है नाम.
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव करने में भी नाम सामने आता है, पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में भी आता है. आई थिंक 80 क्वेश्चन हमारा रिपीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस. सो इसका आंसर हम ए कर देते हैं फटाफट से. 81 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज. हु इज द ऑथर ऑफ फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज. क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा. रशीदुद्दीन खान ऑप्शन नंबर सी ने किताब लिखी है फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज, वेरी वेरी फेमस. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82, आपको कुछ कॉन्स्पिरेसी केसेस और उनके साथ जुड़े हुए रेवोल्यूशनरीज जिन्हें पनिश करा गया था उनका नाम मार्क करना है. सो यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी केसेस जैसे नासिक, बनारस, काकोरी और लाहौर. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है. तो आप इसमें से अगेन कुछ भी कर सकते हैं, मेरे लिए भी और आई थिंक सबके लिए भी नासिक और सावरकर बेस्ट ऑप्शन था. ए एंड फोर सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, दैट्स वाई सो इजीली वी कुड आंसर. बनारस सन्याल का है, काकोरी रामप्रसाद बिस्मिल है बहुत फेमस, और लाहौर भगत सिंह है. सो ऑल द क्वेश्चंस वर इजी, यू कुड आंसर वेरी वेरी इजीली. एलीट्स को दो ब्रॉड टाइप्स में कौन से राइटर ने डिफाइन करा है, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एलीट्स, इनफॉर्मल एंड डिफ्यूज्ड एलीट्स. ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एलीट्स एंड इनफॉर्मल एंड डिफ्यूज्ड. देखो ऊपर के तीन क्लासिकल एलीट्स ने तो करा नहीं है, तो एलिमिनेट करो, बिकॉज सबका रूल याद है किसका कौन सा कानून है. किसी का आयरन लॉ है, किसी की पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी के बारे में हमने लॉ ऑफ सर्कुलेशन कर रखा है. तो ऑब्वियसली अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये देखने में कि कार्ल मानहाइम हमने नहीं पढ़ रखा है क्लासिकल एलीट्स में. और ऑब्वियसली आंसर क्वेश्चन भी ऐसा ही है जो हमने नहीं पढ़ रखा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा. दिस वॉज अ सिंपल वे टू आंसर दिस क्वेश्चन. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84, गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे. उन्हें साउथ अफ्रीका के भारतीयों ने इनवाइट करा था, वो बार एट लॉ पढ़ने गए थे, वो गुजराती बिजनेसमैन का केस लड़ने गए थे, वो साउथ अफ्रीका घूमने गए थे परिवार के साथ. इसमें से क्या एक कारण है जिसकी वजह से गांधी जी ने साउथ अफ्रीका ट्रैवल किया था, क्योंकि गुजराती बिजनेसमैन था और खुद गांधी जी जो है लॉयर थे, तो वो उसके केस को फाइट करने के लिए जो है गए थे. भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को सबसे कम इफेक्ट करता है. भारतीय राज्यों में एक राज्य कौन सा है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को सबसे कम इन्फ्लुएंस करता है. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश एकदम सेंटर में पड़ता है और ना नॉर्थ ना साउथ ना ईस्ट ना वेस्ट, इसलिए फॉरेन पॉलिसी के मामले में उसका रोल और कंट्रीब्यूशन मिनिमाइज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 86 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूएन मोविक यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन इराक में गया था 2002 में, उसकी वजह से उसमें कौन से पर्सन ने उसे हेड करा था. कोफी अन्नान, हैंस ब्लिक्स, डेविड पेट्रोस या कोलिन पवेल. आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हैंस ब्लिक्स, यूएन मोविक का चेयरपर्सन, हेड और उसकी रिपोर्ट तैयार करने वाला व्यक्ति. क्वेश्चन नंबर 87, एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट का नाम बताएं जिसने कहा था सारी वॉर डिसेप्शन पर आधारित होती है और डिवाइन आर्ट ऑफ सब्टिलिटी और सीक्रेसी वॉर का नाम है. सोन ज़ू अपनी वॉर के डिस्क्रिप्शन में उसे डिवाइन आर्ट बुलाते हैं एंड इसके लिए वो पॉलिटिकल साइंस में बहुत स्ट्रॉन्गली फेमस है. उनकी कोट भी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 88 वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, मतलब अगला सेशन 89 से शुरू होगा.
एज अ पार्ट ऑफ रीजनल इनिशिएटिव भारत ने 2004 टोक्यो अग्रीमेंट शुरू किया था. उस टोक्यो अग्रीमेंट से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था? क्वेश्चन नंबर 88. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रीकैप. ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है डिस्कस. सो आई होप यू गाइज हैड फन रीडिंग टूडेज क्लासेज विद मी, सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस. आई हैड अ लॉट ऑफ फन सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद यू. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई प्लस कोर्स, यू कैन यूज माई रेफरल कोड सुप्रीत लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट. मेरा क्रैश कोर्स प्रेजेंटली चल रहा है अन अकेडमी प्लस की ऐप पर. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट क्लास. अगर क्लास अच्छा लगा वीडियो लाइक करके जाइएगा. थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर.